वार्ड नंबर 24 में भाजपा की ओर से बैठक का आयोजन जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष रूप से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं चुनावी उम्मीदवार अश्विनी शर्मा ने शिरकत की, जिनका स्वागत वार्डवासियों ने किया और अश्विनी शर्मा ने अपने किए कार्यों को लोगों के समक्ष रखा। मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी, पंजाब की भी और पठानकोट विधानसभा की जनता भी, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस प्रकार कांग्रेस ने जनता के मत का निरादर किया है उससे जनता त्रस्त है और कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहती है। मैं पठानकोट विधानसभा से पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, मेरा डोर टू डोर कैंपेन सुबह हो रहा है और दिन के समय छोटे छोटे बैठकें रैलियां टाइप हो रही हैं। जनता के अंदर एक गुस्सा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए लोकल विधायक ने झूठ का सहारा लिया, रोजगार सृजन की बात की पर रोजगार नहीं दिया, नशा मुक्त पठानकोट की बात की लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब चक्की के अंदर किसी ना किसी बच्चे को नशे के कारण अपना जीवन ना खोना पड़ा हो और परिवारों में मातम ना हुआ हो। तो इन विषयों को लेकर एक अलग तरह का क्रोध है और इस शासन में जिस प्रकार भ्रष्टाचार पनपा है और जिस प्रकार व्यापारी भय में रहा है, वो सारी चीजों का जवाब जनता बटन दबाकर देने के मूड में है। और मुझे इसलिए भी उत्साह भी बढ़ रहा है जनता के प्रेम को देखकर, मेरे द्वारा पठानकोट में जो कार्य किए गए, जिला बनाने से लेकर कॉरपोरेशन बनाने तक, सरकारी कॉलेज, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मिनी सेक्टर, वो काम जनता के अंदर एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि पहली टेनोर के अंदर अगर अश्विनी ने इतने काम किए हैं तो इस बार हमारे बोर्ड का अधिकारी यही है, ये पठानकोट को फिर से प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा, ये सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। जनता एक बार धोखा खाती है, इस तकनीक का पहली बार प्रयोग कांग्रेस ने ही किया, फार्म भराए, घर घर नौकरी का वादा किया, टेलीफोन नंबर नोट किए, स्मार्टफोन देने का वादा किया, लेकिन उन फार्मों का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, सब जनता को लगा हमसे धोखा हुआ है। अब उसी चलन को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर कांग्रेस झूठ बोलकर फार्म भराकर धोखा देकर सत्ता प्राप्त कर सकती है तो क्यों ना हम इसी राह पर चलें। उन्होंने महिलाओं को टारगेट करके फार्म भरे, लेकिन मैं तो जनता से यही पूछता हूँ, पिछले फार्म का जो हाल हुआ इसका भी वही हाल होने वाला, और जनता को बात समझ आ रही है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि केजरीवाल साहब दिल्ली की महिलाओं को पहले ये सुविधा देना शुरू करें ताकि पंजाब की महिलाओं में विश्वास पैदा हो। पठानकोट में रोजगार सृजन के लिए काम करना बहुत जरूरी है, इस समय ट्रैफिक समस्या को लेकर भी पठानकोट में बहुत बड़े बड़े काम होना जरूरी है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पठानकोट में मल्टी स्टेट कम्प्लेक्स स्टेडियम आए, इंडोर आउटडोर, और जो वो खेलो इंडिया के तहत हम लेके आ सकते हैं, और इंडस्ट्री आने से पहले पहले स्किल डेवलपमेंट हो कि जिस तरह की इंडस्ट्री आए वहाँ कौन लोग लगेंगे उसका भी मापदंड तय हो कि लोकल लोगों का एक हिस्सा तय होना चाहिए कि बाहर से लोग नहीं आएंगे। अब पेप्सी जो विनोद खन्ना जी लाए और उसके बाद MLA साहब ने मोहर लगाई अपनी, वहाँ एक भी व्यक्ति पठानकोट का नहीं लगा, तो इस स्वेद हादी का पठानकोट को क्या लाभ हुआ। तो मैं ऐसा साधन जुटाऊंगा कि पठानकोट के लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो और लोकल बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल सके। वार्ड नंबर 24 के विच अज साडे होने वाले विधायक श्री अश्विनी शर्मा जी जिहड़े पंजाब दे अध्यक्ष भी है, उन्हां दा दौरा सीगा। साडियां मावां ने, भैणां ने, भरावां ने, यूथ ने चंगा एक हुलारा दिता ते प्रतिज्ञा ली कि भी 20 फरवरी नूं जिहड़ियां है वोटां ओह कमल दे निशान दे उत्ते भारतीय जनता पार्टी नूं समर्थन देना, दोनों हाथ खड़े करके। बड़ा जोश आंदा है, बड़ा अच्छा लगता है जदों इन्ना क प्यार साडियां मावां, साडियां भैणां, साडे भरा सानूं दिंदे आ। ते
मैनू उम्मीद है कि लोगों ने जरा 2012 तो 2017 तक अश्विनी शर्मा जी का जरा काम देखे है वो एक एग्जाम्पल है, वो एक एग्जाम्पल है। तो 2017 तो 2022 तक लोग जरा एक पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं क्योंकि इस विधायक ने निजी विकास करवाया। वो कंपैरिजन जो होता तो अश्विनी शर्मा जी बहुत दूर निकलते हैं, तो इस पठानकोट के विधायक का जो विकास है वो निजी विकास तक ही सीमित रहता। बस ज़्यादा नहीं कहांगा। दा प्रचार तुम देख ही लिया जी, पूरी यूथ अपना सारा साढ़े नाल है, सैली गोलियां बाहरों कोई भी नहीं आया दा बंदा है ना, सारे अपने यूथ जिन्हें मुड़े आ सारिया मावं भैन साढ़े सारा समर्थन दे गए है, तो प्रधान जी भी आए जी साढ़े घर भी गए, तो अं इस गल का भी खुशी है सानू कि चलो साढ़े घर चक्कर मार के आए हैं, तो बस अं नाल है। बाकी सोच कुछ नहीं, अं पार्टी के बंदे हाँ, शुरू तो उनके नाल ही चले हैं, तो सानू कोई पार्टी पसंद नहीं है, तो अं बीजेपी के इस करके कट्टर उम्मीदा पूरी जागे दी सारिया दी उम्मीदा, मेरी कल की नहीं सारे उम्मीदा जागे दी है, सारे नाल जितावे पूरा जोर लाके जितावे वधिया रिजल्ट आएगा। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।